I'm everybody's type, but nobody can deny. Cause you know I get it, I don't know anybody but the one. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. कोरियन ड्रामा सीरीज को आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हो कि मजबूर हो जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए। और क्यों ना, लाइक कोरियन ड्रामा सीरीज की खासियत ही होती है ये अपनी लेंथ को जरा सा भी आपको फील नहीं होने देते। चाहे कितनी भी लंबी हो, एक बार देखना चालू करते हैं तो इनकी ब्यूटीफुल खट्टी मीठी रोमांस और लव स्टोरी वाली दुनिया में घुसते चले जाते हैं। हम खुद इनकी सीरीज को देखना चालू करते हैं तो मेरा यकीन मानिए उस दिन का मेरा कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि देखते देखते कब सीरीज के इमोशन से कनेक्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक अपना सा लगाव लगने लगता है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के रिव्यू में हम लाए हैं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामा सीरीज पार्ट 5, जिसे एक बार देखना चालू किए तो उसे खत्म करके ही छोड़ोगे। अगर आप हमारे लास्ट वीडियो मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामा सीरीज पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देखिएगा। आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। और खुशी की बात, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ बोनस सीरीज को बताएंगे जिसे आप बेहिचक आंख बंद करके देखना चालू करिए, आप सीरीज से निकल ही नहीं पाइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई लोग, आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो अच्छा नहीं लगता तो कमेंट में जरूर बताइए क्यों अच्छा नहीं लगता, हम उसे सुधार करेंगे, हमें खुशी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कोरिया की रोमांस की दुनिया में चला जाए। नंबर 7 की सीरीज हाल ही में हिंदी में डब की गई कोरिया की सुपर हिट, जिसमें जेल की रियलिटी हमारे सामने रख डाली 2017 की क्राइम ड्रामा के साथ प्रिजन प्लेबुक। सीरीज की स्टोरी, कोरिया की सबसे बड़े बेसबॉल प्लेयर को एक साल के लिए जेल हो जाता है। सीरीज की सबसे खास बात है एक सेलिब्रिटी को अचानक से एकदम से सीधा जेल के अंदर, उन्हें किन किन प्रॉब्लम को फेस, किस तरह से अपने आप को वहां एडजस्ट करते हैं। इस टॉपिक को डायरेक्टर ने इतने बारीकी और सटीक टाइमिंग के साथ हमारे सामने रखा है कि सच में मानना पड़ेगा। ऊपर से सारे कैरेक्टर की एक्टिंग की वजह से हम सीरीज से लास्ट तक कनेक्ट रहते हैं। जिन्हें कैरेक्टर के डेप्थ में जाना पसंद नहीं तो उन्हें ये सीरीज का लेंथ थोड़ा खींचा हुआ लग सकता है, जो इस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सीरीज आपकी पूरा पेशेंस को मांगती है, बाकी आप सीरीज से कनेक्ट हो गए तो आप पूरा देखकर ही छोड़ोगे। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और हिंदी में प्लेफ्लिक्स पे। आज तक हमने कई डॉक्टरों पे बेस सीरीज देखी, पर इस सीरीज का बात ही कुछ और है। सीरीज में कुछ नया और फ्रेश देखने को मिलता है। ऐसे ही है नंबर 6 की कोरियन ड्रामा सीरीज, जो आपको सीरीज से नजरें हटाने ना देगी, 2014 की सुपर हिट रोमांस ड्रामा के साथ इमरजेंसी कपल। सीरीज की स्टोरी एक डिवोर्स्ड कपल की है, जिन्हें सपना होता है एक डॉक्टर बनने का। कुछ टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली एक ही हॉस्पिटल में ये दोनों को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद से शुरू होता है इस सीरीज का इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन, कैसे दोनों की दुश्मनी धीरे धीरे करके प्यार में बदलती है। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आम टिपिकल कोरियन ड्रामा की तरह होगा, इसके खट्टी मीठी अपस्टोन लव स्टोरी देखकर आप सीरीज में घुसते चले जाओगे और लास्ट तक आते आते आपके अंदर प्यार की इमोशन भर जाएगी। अगर आप कोरियन रोमांस ड्रामा के डाई हार्ट फैन है तो सीरीज को कभी भी मिस मत करिएगा। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज एकदम गजनी वाला लव स्टोरी। हम ऑडियंस के बीच सुपर हिट कोरियन ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट रोमांस ड्रामा के साथ 2015 की किल मी हिल मी। सीरीज में हमारा हीरो को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जिसके वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी मास्टरपीस सीरीज को मिस की है तो अभी जाकर देखिए, और खुशी की बात है इसे आप एमएक्स प्लेयर पे फ्री में हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 5 की सीरीज आपको इमोशनल लेवल पे जाकर हीट करेगी, एक गलती आपको पूरी जिंदगी भर कोसा जाता है। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सीरीज नंबर 5 पे है तो अच्छा नहीं है, इस लिस्ट की सारी सीरीज एक से बढ़कर एक है। तो आप एक भी सीरीज को मिस किए हैं तो पहले उसे जाकर देखिए, 2018 की ब्लॉकबस्टर हिट क्राइम ड्रामा के साथ हाइड एंड सीक। सीरीज फर्स्ट एपिसोड से ही सस्पेंस बिल्डअप करती है, जिसके वजह से हम सीरीज से एक्साइटेड रहते हैं। एक एडॉप्ट की गई लड़की को, हम सभी जानते हैं कि एडॉप्टेड लड़की को फैमिली में हर कोई का प्यार नहीं मिलता।
मिलता। एक लड़की जिसने कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी को खड़ा किया, एकदम से उन सारी फैसिलिटी को बंद कर दिया जाए और उसे पागल खाने में डाल दिया जाए तो आप क्या करिएगा। ये सीरीज सेल्फ डिफेंस का अच्छी मतलब सिखा जाती है। ऐसे सीरीज को सिर्फ देखनी नहीं, फील करनी चाहिए। और खुशी की बात है, इसे आप हिंदी में फ्री में एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 4 की कोरियन सीरीज आपको अच्छी तरह से समझा देगी कि अकेला इंसान अकेले रहते रहते उसकी लाइफ बद से बदतर कैसे बन जाती है। 2018 की कुछ हटकर रोमांस ड्रामा के साथ गुड बाय टू गुड बाय। सीरीज की कॉन्सेप्ट हमारे लिए कुछ हटकर एक्सपीरियंस था जो शायद हम कभी भुला ना पाए। सीरीज की सबसे बड़ा खासियत है इसके फ्रेश और हार्ट टचिंग स्टोरी लाइन। डायरेक्टर ने हाई से लेकर गुड बाय तक की एक रिलेशन की बीच की मोमेंट को एकदम सटीक पॉइंट पकड़ कर उसके डार्क साइड हमारे सामने रखा है। बस इसीलिए ये सीरीज हमारे लिए बेस्ट था। अगर आप रोमांस ड्रामा के साथ कुछ हटकर नया देखना चाहते हैं तो ये सीरीज को आपको डेफिनेटली एक बार तो ट्राई जरूर करना चाहिए। मस्ट वॉच फॉर ऑल डाई हार्ट कोरियन ड्रामा सीरीज। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2, अगर आप स्वीट सा स्टोरी लाइन जिसमें कॉमेडी के साथ स्वीट लव स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपकी टाइम को फील ना कराए तो ये सीरीज आपको अच्छी तरह से इंटरटेन करेगी। नेटफ्लिक्स के हाल ही में रिलीज हुई 2021 की रोमांस कॉमेडी के साथ सो नॉट वॉच इट सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नंबर 3 की ड्रामा सीरीज देखने के बाद पता चला कि सच में कोरिया की रोमांस ड्रामा सीरीज का कोई तोड़ नहीं। एक छोटी कॉन्सेप्ट को लेकर इतने बारीकी से हमारे सामने रखते हैं कि सच में कमाल का होता है। 2018 की रोमांस ड्रामा के साथ माय कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड मिस्टर ओ। सीरीज की इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, सीरीज की लीड एक्ट्रेस पहाड़ी पे रहने वाले एक लड़के को कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनाकर ले आती है। उसके बाद से स्टार्ट होता है सीरीज की खट्टी मीठी लव मोमेंट जो सच में आपको एक अलग ही रोमांस वाली दुनिया में ले जाएगी। इस इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज को कभी भी मिस मत करिएगा, आपको मजा आ जाएगा। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नंबर 2 की सीरीज, अगर आप सदियों से चलती आ रही ऐतिहासिक लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये सीरीज अपने ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग स्टोरी लाइन से आपका दिल लेगी। 2012 की रोमांस ड्रामा के साथ रफ टफ प्रिंस। वो ड्रामा सीरीज काफी अच्छी होती है जिसमें पहले जन्म का ऐतिहासिक लव स्टोरी हो। कोरिया की प्रिंस 300 साल के बाद 21st सेंचुरी में अपने शहजादी को अनजाने में मिलता है। सीरीज की रोमांटिक थीम और स्टोरी लाइन से सीरीज आपको अपने सीट से हिलने नहीं देगी। कुछ टाइम इस सीरीज को देने के बाद आपको डेफिनेटली इस सीरीज के इमोशन से प्यार हो जाएगा, आपको माई लव फ्रॉम अनदर स्टार वाली फीलिंग कराएगी। ऐसी सीरीज में मेरे नजर में सिर्फ सीरीज नहीं इमोशन है, इसे आप मिस मत करिएगा। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज हर नेटफ्लिक्स कोरियन सीरीज की तरह कुछ अलग और फ्रेश। ऑडियंस के बीच सुपर हिट नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट रोमांस ड्रामा के साथ 2021 की बेसेंजो। ये सीरीज आपको हर एक एंगल से इंटरटेन करेगी। बस दुख का बात है कि ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये सीरीज को कुछ टाइम देने के बाद आपको फील ना होने देगी। अगर कॉन्टेंट में दम है तो चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो देखेंगे जरूर। इसे आप नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। नंबर 1 की ड्रामा सीरीज, यार पूछो मत, ये ड्रामा सीरीज देख लिया तो फॉरेंसिक और मर्डर इन्वेस्टिगेशन में आप आधी पीएचडी कर लोगे। 2018 की ब्लॉकबस्टर हिट क्राइम ड्रामा के साथ पार्टनर ऑफ जस्टिस। अगर आप ब्रूटल तरीके से मर्डर सस्पेंस मिस्ट्री अपने स्वैग में इन्वेस्टिगेशन देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको हर पल एक्साइट रखेगी। और ऊपर से कोरिया की हो तो एकदम पूछिए मत, आंख बंद करके देखना चालू करिए। एक फीमेल प्रोसिक्यूटर अपने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर कैसे किसी कातिल को सजा दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कोट कोरियन ड्रामा सीरीज है। सीरीज की सबसे खास पॉइंट है इसके ट्विस्ट एंड वक्त पे जाकर एक ट्विस्ट पूरी खेल पलट देता है। अगर आप हॉलीवुड सीरीज लूसीफर के फैन हैं तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली देखनी ही चाहिए। ऐसे ही कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, बुरा बहुत लगता है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।